चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माउंट कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौधरी, मैथ फैकल्टी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ाया था दोस्तों, उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। 2012 में आया हुआ था ये क्वेश्चन हमारा। 2 की पावर 96 -1 60 और 70 के बीच जिन संख्याओं से भाग होता है उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों याद रखना, हमने लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ा था, मैं उसको फिर से रिपीट करता हूं कि सपोज दैट यहां 2 की पावर 12 -1, अगर मैं इसको 1 से भाग करूंगा यानी कि 1 कम से, तब भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा पूरा पूरा? कि अगर 2 को मैं 1 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, और 0 आने का मतलब क्या, नंबर पूरा पूरा कट गया। और 2 की पावर 12 -1, अगर पावर इवन नंबर है और इसको 1 ज्यादा से अगर मैं भाग करूं तब भी नंबर पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि इस पोर्शन के लिए कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। तो दोस्तों एक बात समझ आ गई कि पावर अगर सम संख्या है, पावर अगर सम संख्या है और माइनस 1 करने पर नंबर 1 कम से भाग होगा और नंबर 1 ज्यादा से भाग, संख्या के 1 कम से भाग होगा और संख्या के 1 ज्यादा से भाग होगा हमेशा। तो इसी चीज को हम आगे देखेंगे, अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे, समझना ध्यान से। ठीक है, आइए दोस्तों देखो। अब मैंने, मेरा क्वेश्चन है कि 2 की पावर 96 -1, बट उसने एक कंडीशन लगा दी कि यहां नीचे जो नंबर होना चाहिए वो 60 और 70, 60 और 70 के बीच किन से भाग होता है। तो एक बात बताओ दोस्तों, 60 और 70 के बीच अगर भाग, 60 और 70 के बीच किसी नंबर से पूरा भाग होगा तो कब भाग होगा? कि 60 और 70 के बीच ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 की पावर में आए, तो हम देखना चाहें तो वो नंबर कितना है, 64। अब अगर यहां 64 है तो मेरे भाई एक बात खुद से सोच के देखिएगा, क्या 64 2 की पावर में कन्वर्ट होता है? बिल्कुल होता है। तो 64 हमारा होता क्या है, 2 की पावर 6। तो इसको मैं लिखना चाहूं तो 2 की पावर 6 और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि 16 गुना 6 करोगे, 16 6 96 और -1। इसी पोर्शन को हम आगे लिखना चाहें तो क्या बनेगा, 64 की पावर 16 -1। अब देखो वही कंसेप्ट बन गया कि पावर इवन नंबर है और माइनस वन भी हो रहा है। तो क्या पढ़ाया था कि ऐसा नंबर 1 कम से भी भाग होगा और 1 ज्यादा से भी भाग होगा, यानी कि 64 से 1 कम 63 से भी नंबर भाग होगा और 64 से 1 ज्यादा यानी कि 65 से भाग होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, 63 + 65 यानी कि 128। क्लियर है, 128 द राइट आंसर। यहां कंसेप्ट की बात क्या है थोड़ी समझने वाली, कि पावर इवन नंबर होना चाहिए और माइनस वन होगा तो वो नंबर जो भी ऊपर संख्या लिखी गई है उससे एक कम से भाग होगा और उससे एक ज्यादा से भी भाग होगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी से, अब हमें इतना सब लिखने की जरूरत उस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइएगा समझ। देखिएगा दोस्तों, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसी पे लिख देते हैं। तीन की पावर चौबीस 75 और 85, 3 की पावर 24 -1 75 और 85 के बीच जिन संख्याओं से भाग होता है उनका योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब बहुत स्पीड से करेंगे और बहुत आसानी से। देखो 3 की पावर 24 -1, तो देखो 75 और 85, तो 75 और 85 के बीच ऐसा नंबर देखो जो 3 की पावर में कन्वर्ट हो सकता हो। 75 और 85 के बीच कोई भी ऐसा नंबर जो 3 की पावर में कन्वर्ट होता हो दोस्तों कितना होगा, 81। तो एक बात बताओ, जब 81 ऊपर आना डेफिनेटली है
और क्यों हम कन्वर्ट करें, हमें पता है कि पावर इवन होगी तभी भाग होगा, अदरवाइज भाग ही नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर बनेगा, एक इससे कम 80 और एक इससे ज्यादा यानी कि 82, वो कह रहा है योग बताओ, तो योग कर दो, गुणनफल बोले गुणनफल कर दो। कर पाओगे सेकंडों में इस तरीके से? कोई डाउट तो नहीं यहां तक सभी को? क्लियर है? चलो तो ऐसे ही रिमाइंडर थ्योरम पे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन और हमारे आइएगा दोस्तों। चलेगा तो रिमाइंडर थ्योरम पे और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए सपोज दैट हमने लिखा 1 factorial + 2 factorial + 3 factorial + 4 factorial + 100 एंड डिवाइडेड बाय 6, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, अब एक बात समझना, फैक्टोरियल का मतलब सभी को पता है कि जितना भी हम फैक्टोरियल लिखते हैं उससे लेकर एक तक की गुना। जैसे कि मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं कि अगर मैं एक फैक्टोरियल की बात करूं तो दोस्तों उसका मतलब तो एक ही है, बट अगर मैं दो की बात करूं तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 2 × 1 यानी कि 2। अगर मैं 3 factorial की बात करूं तो 3 × 2 × 1 यानी कि 6। अगर मैं 4 factorial की बात करूं तो 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24। अगर मैं 5 factorial की बात करूं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120। वैसे ही अगर मैं 6 factorial की बात करूं तो 6 × 1 यानी कि 720। क्लियर है सभी को? अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इन सब को जब हम 6 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अब दोस्तों एक बात समझ के देखना कि अगर मैं 6 की गुना करना चाहूं फैक्टर, तो 6 के फैक्टर क्या है? 3 × 1। तो एक बात बताओ, 3 × 1 जिस भी फैक्टोरियल में आएगा उस फैक्टोरियल से लेकर लास्ट तक सब सारे के सारे फैक्टोरियल पूरा कटेंगे, वरना करके देख लो। 3 × 2 किस में आ रहा है? 3 factorial में आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 6। क्या 6 से कटेगा? 4 factorial की वैल्यू कितनी है? 24। क्या कटेगा? 5 की वैल्यू कितनी है? 120। क्या 6 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 6 की कितनी है? 720। क्या 6 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यहीं से दोस्तों एक बात समझ आ गई कि हमारा 3 factorial 6 से भाग करके रिमाइंडर क्या देगा? 0। 4 factorial भी क्या देगा? 0। वैसे ही कहीं तक भी चले जाना, हर फैक्टोरियल रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा। तो दोस्तों रिमाइंडर जो हमारा बचेगा यानी कि 3 से लेकर लास्ट तक सारे फैक्टोरियल कट जाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 3 से पहले वाले फैक्टोरियल पे, और 3 से पहले वाला फैक्टोरियल कितना है? 1, और 2 कितना है? 2। 1 factorial की वैल्यू 1 होती है, इसकी 2 होती है, देन 1 + 2 करूंगा, देन आंसर 3। 6 से छोटा आ रहा है तो रिमाइंडर हो जाएगा, इनके 6 से बड़ा आ जाए तो उसको हम भाग कर सकते हैं आराम से। क्लियर है सभी को? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरीके से। आएगा दोस्तों, मान लो हमने एक और कोई क्वेश्चन लिख दिया, सपोज दैट 12। अब दोस्तों देखो, अगर मैं 12 के फैक्टर करना चाहूं तो क्या होंगे? 4 × 3। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करना, देखो जिस संख्या से भाग करना है उसके फैक्टोरियल फैक्टर देख लो, उसके फैक्टर करो और देखो कि वो फैक्टर हमारे किस फैक्टोरियल के अंदर आते हैं। उससे लेकर लास्ट तक के सभी फैक्टोरियल 0 हो जाएंगे, उससे पहले वालों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई 12 है अगर मैं देखना चाहूं तो दोस्तों मेरा किस में आ रहा है? बोलो किस में आ रहा है? 4 × 3। तो इसका मतलब 4 से लेकर लास्ट तक के सारे फैक्टोरियल में रिमाइंडर 0, तो आंसर किससे आएगा? 4 से पहले वालों से। तो 1 factorial अगर मैं देखना चाहूं तो क्या होता है? 1, 2 factorial 2 और 3 factorial 6।
छह दो आठ और एक नौ, क्या 12 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो रिमाइंडर बच सकता है। सेकंडों में आंसर करना है, 5-7 सेकंड के अंदर आंसर करना, उससे ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं लेना कभी भी, ठीक है। चाहे इधर 100 का छोड़ो, 1000 तक आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखते हैं और एक दो क्वेश्चन, समझिएगा। 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50। दोस्तों 10 सेकंड के अंदर आंसर करना सभी लोगों को, बहुत स्पीड से करो, फास्ट, और आंसर्स करो फटाफट, जल्दी से टाइप करो। कितना आता है? बिल्कुल करिए जल्दी से, फास्ट, बहुत स्पीड से। आइए, 15 के फैक्टर 5 गुना 3, 5 गुना 3 मेरे भाई किस में आएगा? सिंपल सी बात है, 5 फैक्टोरियल में आएगा। तो इसका मतलब 5 से लेकर लास्ट तक के फिर फैक्टोरियल 0, 5 से पहले वालों को ऐड कर लेते हैं। आइएगा 5 से पहले वालों को ऐड करें, तो 1 का मतलब अगेन हमें पता है कितना होगा 1, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 6, 4 का मतलब 24, और 5 की तो जरूरत नहीं है। 24 6 30, और 2 32, और 1 33। 33 15 से बड़ा है, एक बार और भाग लगा सकते हैं, 15 2 30, देन दोस्तों रिमाइंडर इज 3। तो क्लियर है तक? कर पाओगे आराम से? चलिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों, समझना। मान लिया हमने एक क्वेश्चन लिख दिया 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है, 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 5। अब इसको अगर मैं देखना चाहूं, और वही फाइंड द रिमाइंडर, कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो 5 3 15 और ये कितना होता है 8, तो 15 8 120। एक्सेल में ये कितना लिखा हुआ है दोस्तों मेरा 120, क्लियर है। और 120 मेरा किस फैक्टोरियल में आ रहा है, बोलिएगा किस में आ रहा है? 5 फैक्टोरियल में। तो इसका मतलब अगेन 5 से लास्ट वाले सब 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये वही अगेन 1 2 6 और 4 का मतलब 24, तो कितना आएगा 33। और 33 120 से अगर हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 33 आ सकता है। क्लियर है दोस्तों यहां तक सभी को? तो अगर इस टाइप के फैक्टोरियल के कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप आराम से कर पाओगे। इसी पॉइंट को थोड़ा और इंक्रीज कराता हूं मैं, और थोड़ा सा और समझ लीजिएगा आप। देखिए दो, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती है, उस चीज को ध्यान से समझ लें। देखिए, इफ P इज ए प्राइम नंबर, P इज ए प्राइम नंबर एंड P माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय P, ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है। यानी कि किस तरीके से हम इसको यूज में ला सकते हैं, जैसे मान लिया हमने कहीं लिख दिया 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31 एंड प्लस, ठीक है, 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31 एंड प्लस 1। तो दोस्तों देखो, थोड़ा सा इसको बनाने का और भी मैं आपको तरीका समझा देता हूं, ध्यान से समझना, हमें इतनी इसकी पहले लिखने की जरूरत नहीं। जैसे सपोज दैट आपसे मैं बोलूं कि 4 फैक्टोरियल है मेरे भाई और 5 से भाग करना है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब यहां पर 4 नहीं है, 4 फैक्टोरियल का मतलब यहां पर क्या है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और डिवाइडेड बाय 5। 4 3 12 2 24, और अगर मैं 24 को 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, रिमाइंडर कितना आएगा 4।
अब दोस्तों मैं प्लस वन लगा के क्यों बनाया, क्योंकि अगर मैं चार में प्लस वन कर दूं तो पांच बन जाएगा, या चौबीस में एक जोड़ दूं तो पांच बन जाएगा, और वो उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। क्लियर है इस चीज का मतलब हमारा यहां पर ये चीज, ठीक है। इसी से वो नियम हमने बना दिया कि अब जैसे मैंने भी क्वेश्चन लिखा था कि 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31, और आपसे अगर कोई पूछे रिमाइंडर क्या आएगा तो आप फट से रिमाइंडर बता दोगे कितना आएगा, 30 आएगा। ये इससे भाग कब होगा, जब 30 फैक्टोरियल में मैं क्या करूंगा, प्लस वन करूंगा, तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा। मान लो मैंने कहीं और भी लिख दिया कि 70 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 71 और फाइंड द रिमाइंडर, तो कोई भी आराम से बता सकता है कि दोस्तों मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 70 आएगा। इनकेस अगर यहां भी प्लस वन होता तो इससे पूरा पूरा कट जाता। समझे मेरे भाई, चले अब आगे आइए, इस पर दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिख दिया कि 100 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइडेड बाय 101, तो आप या तो इस तरीके से मान लो, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 101, ठीक है। तो या तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 101, 101 से पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरे भाई, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। क्योंकि थ्योरम क्या कहती है, फैक्टोरियल होना चाहिए जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे कम, तो 101 से एक कम है, उसमें हम प्लस 1 करेंगे तो वो हमेशा इससे पूरा पूरा कटेगा। क्लियर है, या फिर आप डायरेक्ट देख लो भाई, सिंपल सी बात है कि अगर मैं 101 से इससे भाग करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 100, और 100 में 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 103, और 103 को अगर मैं 101 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। या इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्लियर है। कभी कभार इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 70 फैक्टोरियल माइनस 6 डिवाइडेड बाय 71, ठीक है। अब देखो इसे मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, 70 फैक्टोरियल माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 71, क्योंकि 7 में से एक घटाऊंगा तो माइनस का 6 ही आएगा। इसका मतलब दोस्तों ये पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 7। पर हमें पता है कि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं हो सकता है, तो 71 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 71 में से माइनस 7 प्लस 71 करूंगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 60। कितना रिमाइंडर आएगा, 60। या अच्छा हो तो बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको ये पता है कि जब 71 से फैक्टोरियल से 70 फैक्टोरियल को भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 70। वो माइनस 6 कह रहा, कर दो, 70 में से 6 घटाओगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 64 ही तो आएगा। क्यों हम उतना उस सब के चक्करों में पड़े, क्यों ना डायरेक्ट करें। क्लियर सभी को, तो इसी थ्योरम को, इसी कंसेप्ट को चाहे तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि p माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p, देन रिमाइंडर इज p माइनस 1, रिमाइंडर इज p माइनस 1। क्लियर है, बस p क्या होना चाहिए, इज ए प्राइम नंबर। भी हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, प्राइम नंबर। देखें, मान लिया 30 फैक्टोरियल प्लस 10 डिवाइडेड बाय 31, क्यों चक्कर में पड़ते हो, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। 30 प्लस 10 करोगे तो कितना बनेगा, 40, और 40 को 71 से भाग करोगे देन रिमाइंडर इज 9। बहुत आसान है, चीजों को देखो ज्यादा कॉम्प्लीट केटेड होके मत पढ़ो, चीजों को आसान लैंग्वेज में पढ़ो, आसान भाषा में पढ़ो, ठीक है।
चलेगा तो उम्मीद है यहां तक सभी को क्लियर रहा होगा। इसके तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, तीनों क्वेश्चन आपको करने होंगे। 18 फैक्टोरियल प्लस 7 डिवाइडेड बाय 19, 10 फैक्टोरियल माइनस 2 डिवाइडेड बाय 11, 36 फैक्टोरियल प्लस 5 डिवाइडेड बाय 37। करिएगा, 10 सेकंड में ही तीनों का आंसर करना है, ऐसा नहीं कि बहुत 10 सेकंड होंगे। फटाफट से टाइप करो, जल्दी से कमेंट करो क्या क्या आंसर आ रहे हैं सबके, ठीक है। चलिएगा, आइए दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए कितना बजेगा, 18 डार्क करना है, 18 7 25, बट अगर 25 को आप 19 से भाग करते हो तो रिमाइंडर इज 6। यहां कितना बचेगा, 10, 10 में से 2 गए 8। यहां कितना बचेगा, 36, 36 5 41, 41 को 37 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर इज 4। 5-5 सेकंड में हमारे आंसर आ जाएंगे, तो क्लियर है दोस्तों यहां तक की थ्योरम। चल आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक थोड़ा सा कंसेप्ट अब हमें सीखना पड़ेगा दोस्तों, जहां से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 6, तो दोस्तों बताओगे रिमाइंडर कितना आएगा, 4। 4 की पावर 2 बटे 6, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 4, क्योंकि 4 की पावर 2 क्या होता है, 16। 16 को करोगे आप 6 से भाग तो 6 2 12 कितना बचेगा, 4। 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6, 64 देन 4, 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 6। वैल्यू कुछ भी हो यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 4। यहीं से एक कंसेप्ट बन गया कि 4 की पावर n डिवाइडेड बाय 6, n एनी नंबर, देन रिमाइंडर ऑलवेज कितना आएगा, कि 4 की पावर चाहे कुछ भी संख्या हो हमेशा 6 से भाग करोगे तो शेष कितना आएगा दोस्तों, ऑलवेज 4 आएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन के रूप में अगर मैं आपसे लिखना चाहूं कि 4 की पावर 259 डिवाइडेड बाय 6 एंड फाइंड द रिमाइंडर, तो आप फट से बोलोगे कि हमारा रिमाइंडर कितना है, 4। हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है, 4 है। क्लियर है, आइए अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखिए। देखो दोस्त, मान लो हमने क्वेश्चन लिख दिया 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 10 एंड डिवाइडेड बाय 6, और वो आपसे पूछ ले कि फाइंड द रिमाइंडर, किसका जो शेष होगा वो कितना होगा या क्या होगा, ठीक है। अब एक बात समझना, 10 की अगर मैं प्रत्येक पावर को, तो यहां रिमाइंडर कितना बचेगा जब 6 से भाग करूंगा तो 4, ठीक है, 4 की पावर 1। यहां अगर मैं देखना चाहूं 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 कितना होता है, 10 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 100। 100 को अगर मैं 6 से भाग करूं, 100 को अगर मैं 6 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 × 6 = 4, 6 × 6 = 36, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 4। आगे भी आते हैं, मान लो हमने लिख दिया 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 1000 डिवाइडेड बाय 6,
6 × 6 = 44 हो गया, 6 × 6 = 36, 44 हो गया और 6 × 6 = 36, तब भी रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 4। वैसे आगे भी होगा तो आप खुद से सोच के देखो, हर बार जो मेरा रिमाइंडर आएगा क्या वो 4 ही आएगा या नहीं आएगा, हर बार जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 4। अब ये 4-4 रिमाइंडर कितनी बार आएगा, 10 बार, चाहो तो एक बार ही लिख भी सकते हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एंड डिवाइडेड बाय 6। अब दोस्तों एक चीज समझना, 4 + 4 + 4 ये 12 बनेगा और 12 6 से भाग हो जाता है, यानी कि जहां भी 3-4 मिलेंगे वो नंबर 6 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसको देखना चाहूं तो ये भी 12 बना रहा है और इसको देखना चाहूं तो ये भी 12 ही बना रहा है, तो लास्ट में मेरा क्या बच गया दोस्तों, बोलिए, 4 बच गया और वही 4 मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। यहां से 2-3 चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई कि 10 में जब हम भाग करेंगे तो हर बार रिमाइंडर 4 बचेगा और हर 4 3 बार मिलकर 6 से भाग हो जाएगा, यानी कि 4 जितनी बार भी आ रहा है वो हम उसको किस में देखेंगे, 3-3 के मल्टीपल। क्लियर है? तो यहां से अगले हम कोई बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे जिसके हम आराम से कर पाए, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, सपोज दैट मैंने 10 की पावर यहां लिख दिया 58, 10 की पावर 58, यानी कि 10 यहां कितनी बार आ रहा है, 58 बार आ रहा है, तो हर बार रिमाइंडर दोस्तों क्या रहेगा, 4। हर बार जो रिमाइंडर रहेगा वो दोस्तों मेरा क्या रहेगा, 4 और फिर से 4 और फिर से 4, और ये ऐसे ही 4 कितनी बार आएगा, 58 टाइम्स डिवाइडेड बाय 6। अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि हर 3 के सर्कल पे 4 हट जाएगा, तो 4 हमारा कितनी बार आ रहा है, 58 बार, 58 बार में से 3 के मल्टीपल के 4 हम हटा लेते हैं। अगर मैं हटाना चाहूंगा तो 58 को 3 से भाग कर दूं ना, 3 से भाग करके रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखो 3 × 3 = 2, 3 × 3 = 27, कितना बच गया, 1। 1 का मतलब है कि मेरे कितने 4 बचेंगे, एक सिंगल 4 बचेगा और वही मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, क्योंकि 6 से भाग कर रहा हूं और सिंगल 4 आ रहा है तो वही मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो यानी कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उतना सब ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सीधा जितना भी मैक्सिमम पावर है उसको किससे भाग कर लो, 3 से। जितना भी मैक्सिमम पावर है उसको हम किससे भाग करेंगे दोस्तों, 3 से भाग करेंगे, और 3 से भाग करने पर जो भी रिमाइंडर, जैसे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मतलब सिंगल 4 बच रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इसका मतलब डबल 4 बच रहा है, रिमाइंडर 3 आएगा ही नहीं 3 से भाग करके। क्लियर है? पर अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, और सिर्फ 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर करेंगे, ठीक है। मान लिया मैंने यहां पर लिख दिया 10 की पावर 100, 10 की पावर कितनी है, 100, तो मैं क्यों लिखूं, डायरेक्ट 100 को 3 से भाग करूंगा, कितना बच गया, 1 × 3 = 9, 1 + 3 = 9, 1 का मतलब मेरा कितना 4 बच रहा है दोस्तों, सिंगल 4 बच रहा है, देन आंसर भी कितना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए इस आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। क्लियर है दोस्तों यहां तक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़े। आइएगा नेक्स्ट, अगर मान लो हमने लिख दिया 100 × 1 + 100 × 55 / 6 फाइंड द रिमाइंडर। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने, मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। 1000 की पावर 2 + 1000 की पावर 27
एंड डिवाइडेड बाय 6, फाइंड द रिमाइंडर। इन दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर्स करने हैं, इनको हम यहां से अगली वाली क्लास में रिपीट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है यहां तक रिमाइंडर थ्योरम अगर आप पढ़ लोगे तो किसी भी एग्जाम में अगर जाओगे और उस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हो तो आपसे हर क्वेश्चन हल होगा। बट दोस्तों क्या है कि इनकी देखो बार बार जितना बार आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक सभी को क्लियर होगा। रिमाइंडर थ्योरम के हमारे जितने भी सभी क्लास को स्टेप वाइज देखो ताकि रिमाइंडर थ्योरम, दोस्तों ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि हर क्वेश्चन अगर हम अच्छे से इसको कर लेते हैं तो इसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। दूसरी बात, इसके ऊपर क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है, तो इसलिए इसके कंसेप्ट की बेसिक की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना बेनिफिट होगा, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही इसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए यहां से आगे मैं कुछ आपको कंसेप्ट्स बता रहा हूं जो अक्सर यूज में आते हैं, तो आप उन सभी को भी समझ लीजिएगा और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, फिर उनसे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन भी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलेगा दोस्तों, तो समझिएगा बहुत अच्छे से कि अगर मैं ए की पावर एन प्लस बी की पावर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अगर मैं लिखता हूं और हमारी पावर कोई इवन नंबर है, अगर पावर कोई इवन नंबर है देन ये ए प्लस बी और ए माइनस बी से ऑलवेज डिविजिबल होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड अगर मैं देखना चाहूं कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर अगर पावर ओड नंबर है, ओड नंबर है देन इट विल डिविजिबल बाय ए माइनस बी या ए माइनस बी इसका फैक्टर होगा। एंड थर्ड अगर हम देखना चाहें ए की पावर एन प्लस बी की पावर एंड एन इज ओड नंबर देन इट विल डिविजिबल बाय ए प्लस, यानी कि हमेशा ए प्लस बी से भाग। इनको कॉपी करिएगा क्योंकि अक्सर यूज में आते हैं, ठीक है। अगर माइनस में पावर सम संख्या है तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों से भाग होगी। एक्चुअली मैं अगर थोड़ा सा इसको समझना चाहूं, ए की पावर दो माइनस बी की पावर दो, तो मैं भी देखा होगा ये हमारा क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। वैसे इसको हम देखना चाहें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यूबिंग का फॉर्मूला आप ओपन करोगे तो इससे होता है, वैसे ये भी ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। चलो अब आगे हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे, ध्यान से आप समझिए। आइएगा दोस्त, कुछ क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड हम लिखते हैं। सपोज दैट हमने लिखा 52 की पावर 25 माइनस 23 की पावर 25, निम्न में से किस संख्या से भाग होगा, किस संख्या से भाग होगा। एंड ऑप्शन है ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन बी 78 एंड ऑप्शन डी 29 एंड 70। आइए दोस्तों समझते हैं ध्यान से, पावर ओड नंबर है। अब अगर पावर ओड नंबर है तो किससे भाग होता है, ए माइनस बी से, यानी कि 52 माइनस 23, 12 में से 3 गया
नौ, चार में से दो गए, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा किससे भाग होगा, 29 से। इस टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और देख देते हैं एक दो क्वेश्चंस इसी चीज के ऊपर, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत आराम से बहुत अच्छे से हर सवाल को कर सकते हो। जैसे 59 पावर 65 प्लस 29 पावर 65 सेम, एंड ऑप्शन इज 88 78 85 एंड 30, 85 एंड, तो देखते हैं प्लस है तो हमारा किससे डिविजिबल, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ए प्लस बी, तो इसका मतलब 59 प्लस 29, 9 9 18, 7 और 1 8, देन 88, देन इट विल डिविजिबल बाय, ऑप्शन हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 1। क्लियर यहां तक सभी को? और इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। थ्री पावर 41 प्लस 7 पावर 82 एंड ऑप्शंस आर 4, 52 एंड 26, ठीक है। आइए दोस्तों एक चीज समझना, एक कंसेप्ट का, जब n की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ सेम होगी, हम यहां देखना चाहें 41 और यहां 42, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, बट अगर आप इस 82 को देखोगे तो मैं इसे 2 गुना 41 लिख सकता हूं। जब मैं इसको 2 गुना 41 लिखूंगा तो ये मेरा फिर से वही सेम नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि 3 की पावर 41 प्लस 7 स्क्वायर एंड पावर 41, 3 पावर 41 प्लस 49 पावर 41, अब अगर हम देखना चाहें तो हमारा क्वेश्चन वही बन गया, देन ये हमारा किससे डिवाइड होगा, 3 प्लस 49, और 3 प्लस 49 क्या बनता है, 52। तो दोस्तों 52 है तो ये हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 52 से। कर पाओगे आराम से, एनी डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपना। एक और क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 एंड ऑप्शन है ओनली 10, ओनली 20, 10 20 बोथ नॉट 10 एंड नाइदर 10 नोट 20 कह सकते हैं, ना तो 10 ना ही। अब हमें पता है कि हम इसको अगर ऐड करते हैं 19 प्लस 21 तो 9 और 1 10 और कितना आ गया 40। अब दोस्तों 40 तो ऑप्शन में नहीं है, पर 40 को भाग करने वाला 10 भी है, 20 भी है, 10 20 दोनों भी है, बट फर्स्ट आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्या है ओनली लगा हुआ है, पहली क्लास में डिस्कस किया था ओनली यानी कि सिर्फ तुम, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है ना, हो जाते ना किसी के पीछे हम भागने शुरू कर देते हैं। और देखो ध्यान रख, इतिहास गवाह है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जिसके लिए तुम ज्यादा समर्पित होगे वो तुम्हें कभी नहीं मिले, जिसके पीछे तुम ज्यादा भागोगे वो तुमसे और 10 कदम भागेगी, ये बात फैक्ट है, या भागेगा, लड़का हो लड़की हो या और दुनिया में और कोई भी हो, मैं जरूरी ये नहीं कहता है ना, हाँ, तो जिसके पीछे तुम ज्यादा पड़ोगे ना वो तुमसे उतनी ही ज्यादा दूर जाएगी, ऑलवेज ध्यान रखना, ठीक है। तो अपनी जिंदगी से ओनली वाला वर्ड हटा देना, एनी वर्ड लगा लेना कि कोई भी हो कैसी भी हो कोई बात नहीं। आइए तो ओनली 10 नहीं हो सकता, उसी केस में ओनली 20 नहीं हो सकता, देन आंसर क्या होगा, 10 एंड 20 बोथ, के 10 और 20 हमारे दोनों इसको डिवाइड कर सकते, ठीक है। चलिए और एक दो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड देख लेते हैं थोड़े से, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। सपोज दैट 127 पावर 127 प्लस 97 पावर 120 एंड
127 पावर 97 प्लस 97 पावर 97 फाइंड कॉमन फैक्टर। ठीक है, फाइंड कॉमन फैक्टर। एक्चुअली में कॉमन नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि कॉमन तो एक ही होता है। ठीक है, पर वही आया था तो कोई इशू नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम एचसीएफ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो ये किससे डिवाइड होगा, 127 प्लस 97। ये किससे डिवाइड होगा, 127 प्लस 97। इसको जोड़ोगे, 7 7 4 9 2 11 और 1 12 एक और एक 224 एंड इसको देखोगे तो क्या आ गया, 224। दोस्तों कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है समझिएगा, जैसे मैंने कहीं पर लिखा है 20 और कहीं पर लिख दिया 25। अब अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूं या इनको एचसीएफ देखूं, बड़े से बड़ा भाग करने वाला, तो कौन सा नंबर है, 5। 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग कर जाएगा, तो 5 इसका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे हम इसकी बात करें तो इन दोनों में आप देखिएगा कि 224 को कौन है, तो इनका 224 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 224 ही होगा। ऑप्शन में 224 है तो वो लगा सकते हैं, उसके अलावा अगर कोई है तो उसके हिसाब से हम जैसे ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से। ठीक है, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है देन डेफिनेटली 224, फिर हमें ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है सभी को यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है। चलिएगा कॉपी करिएगा नेक्स्ट ऑप्शन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। या पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और इस पर जो और बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनको फिर हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक, तो इस रूल को पढ़िएगा, उम्मीद है कि क्लास आपको सभी को समझ आई हो। चुप रहिए और ज्यादा जल्दबाजी, क्योंकि देखो जैसे ही लॉकडाउन का सेशन खत्म होगा तुरंत एग्जाम्स आने शुरू हो जाएंगे, हालांकि एग्जाम्स की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप सभी घर पर रहकर अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए। बहुत बहुत थैंक यू।